हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्ट्राइक के बारे में है। एक तरफ तो पहले ही बैंक्स में 15 और 16 तारीख को प्राइवेटाइजेशन के अपोज में स्ट्राइक की बात चल रही है। सभी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ यूनियंस ने उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉल दी है, लेकिन ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन उससे पहले भी 12 मार्च को स्ट्राइक करने जा रही है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने उस स्ट्राइक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एम्प्लॉयज़ यूनियन का भी साथ दिया है। इसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने बैंक के MD और CEO को भी लेटर लिखा है। सभी बैंक एम्प्लॉयज़ और यूनियन को गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ के खिलाफ फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ को उसके साथ साथ बैंक की मैनेजमेंट और बैंक की पॉलिसीज़ के खिलाफ भी फाइट करनी पड़ रही है और उसी के लिए ही 12 मार्च को स्ट्राइक रखी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये स्ट्राइक रखी गई है ताकि बैंक के एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। बैंक में काफ़ी देर से कंपनसेट बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, काफ़ी सारी ब्रांचेस में वैकेंसीज को प्रॉपरली फिल नहीं किया गया है और जो ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं उनको भी डिनाई और नेग्लेक्ट किया जा रहा है और एम्प्लॉयज़ की इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ये स्ट्राइक रखी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने स्ट्राइक की कॉल दी है कि वो 12 मार्च को स्ट्राइक करेंगे और इसके साथ साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की सेंट्रल कमेटी मीटिंग में भी इस इशू को रखा गया है और बैंक मैनेजमेंट के इस अनरीजनेबल एटीट्यूड को देखते हुए AIBA ने भी ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज़ यूनियन को सपोर्ट की है। इसके रिगार्डिंग AIBA ने बैंक के MD और CEO को भी लेटर लिखा है, जिसमें की बात की गई है स्टाफ के अनरेस्ट और एजिटेशन की, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चल रहा है और उसी को लेकर ही ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने स्ट्राइक को लेटर में लिखा गया है कि आपको पता ही है कि एम्प्लॉयज़ के इम्पॉर्टेंट डिमांड्स और इश्यूज़ काफ़ी देर से रिजॉल्व नहीं किया गया है और उसी के कारण एम्प्लॉयज़ 12 मार्च को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। जिन डिमांड्स और इश्यूज़ के कारण यह स्ट्राइक रखी गई है वो हैं टेम्परेरी PTS की पोस्ट को ख़त्म करके परमानेंट PTS की रिक्रूटमेंट की जाए, सभी PTS को सब स्टाफ में कन्वर्ट किया जाए और इसके साथ साथ क्लर्क्स की एडिकेट रिक्रूटमेंट हो, सब स्टाफ टू क्लर्क और क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए और जितनी भी कंपनसेशन अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग्स हैं उनका भी डिस्पोजल हो जल्द से जल्द और जितनी भी स्पेशल असिस्टेंट की वेकेंट पोस्ट हैं उन्हें भी फिल किया जाना चाहिए और सभी ब्रांचेस और ATM लोकेशंस में प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैनेजमेंट यूनियन के राइट को डिनाई कर रही है। यूनियन का राइट है कि वो बैंक के एम्प्लॉयज़ की डिमांड को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इसे डिनाई किया गया है और इसके साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को भी रिजॉल्व नहीं किया गया और उसी के कारण 12 मार्च को ये स्ट्राइक रखी गई है। और MD और CEO को लेटर में लिखा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मैटर के बारे में ज़रूर बात करेंगे ताकि जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है बैंक में वो और ना बढ़ जाए और बैंक और ट्रेड यूनियन के रिलेशनशिप अच्छे बने रहें। Now we will discuss this letter in English. All India Bank Employees Association write a letter to Managing Director of Bank of Maharashtra regarding the staff unrest and agitation in Bank of Maharashtra. A strike call is given by All India Bank of Maharashtra Employees Federation. You will be aware that in the wake of continued negligence to resolve the important demands and issues raised by our union, after exhausting their efforts and patience, they have given the call for agitational programs including one-day protest strike on 12 March. You will recall that from AIBE also we have been taking up the issue of right of representation of trade unions and we have been urging upon the management to rescind the unfair and illegal stand of curbing and infringing the legitimate right of representation. Unfortunately, our urges and pleas have not evoked any positive response from the management. In addition to these fundamental issues, our federation also raised certain important issues as under. First, recruitment of PTS by absorption of temporary PTS. Second, conversion of all PTS as sub-staff. Third, adequate recruitment of clerks. Fourth, PTS sub-staff to clerk and clerk to officer promotions on agreed terms. Next point, disposal of all pending compensate appointments and ex gratia claims. Filling up of all vacant post of special assistant
एंड प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट ऑल ब्रांचेस एंड ATM locations. While denying the right of representation is unjustified and manifests the apathy of management towards trade unions. Now, resolution of important issue raised by organization shows the casual approach towards industrial harmony and industrial peace, which are so important for the growth of business of bank. The unreasonable approach and attitude of management was discussed in recently held Central Committee meeting of All India Bank Employees Association, wherein a resolution has been adopted. We hope and believe that you will intervene in this matter to unwind the conflict and industrial unrest in the bank and help to restore trade unions' right and cordial relationship. Friends, this was all in this today's circular. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.